हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुड़ तिल की पट्टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। ये पट्टी सर्दियों में बहुत बनाई जाती है, आपने बाज़ार में भी देखी होगी, लेकिन आप इसे घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे तिल और गुड़, केवल ये दो चीज़ों से बनती है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक कटोरा तिल ले लेंगे और उसी कटोरी से गुड़ ले लेंगे, दोनों जितना तिल उतना गुड़, गुड़ भी उतना ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम गैस में कढ़ाई को रखेंगे, उसे गर्म होने देंगे और फिर उसमें तिल डाल लेंगे। तिल को डाल के अच्छे से भून लेंगे, तिल को अच्छे से भूनेंगे और ध्यान रहे कि तिल जले ना, वो हल्का सा ब्राउन होना चाहिए और उसमें जब तक चर चर की आवाज़ आए तभी उसको बंद कर दीजिए गैस को, उतना ही उनको भूनना। अगर ये जल जाएंगे तो ये कड़वे होंगे, इतना हमको ध्यान रखना है। तिल भुन गया है और देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के रख देंगे। अब उसी कढ़ाई पे हम गुड़ को डाल देंगे। मैंने गुड़ को डाल लिया है, जब तक गुड़ पक रहा है तो एक प्लेट को उल्टा करके उसमें हमने ग्रीसिंग कर दी है। ये देखिए हमारा गुड़ पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे अच्छे से पकाते रहेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें एक मूंद टपकाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर थोड़ा से हिलाएंगे और ये जो गुड़ों का तले में जम जाता है। अब इसे हम उठाएंगे और तोड़ के देखेंगे। ये देखिए अभी ये पका नहीं है, इसलिए ये मुलायम है। जब तक ये कड़कड़ा ना हो जाए, मतलब चट की आवाज़ ना आए, तब तक हमें गुड़ को पकाना पड़ेगा। चलिए अब दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ये पक चुका है, कड़क की आवाज आ रही है चटकी, इसलिए पक गया है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। अब हम तिल डाल के इसे अच्छे से चलाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमने ग्रीस करके प्लेट रखी थी उसी ग्रीस क्रीम प्लेट पे हम इसको फैला देंगे चम्मच की सहायता से। इसे गरम गरम ही फैलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जम जाएगा कढ़ाई में।
ग्रीसिंग की वजह से ये निकालने में आसान होता है, इसलिए हमने ब्रेड को ग्रीस कर दिया था पहले। चम्मच की सहायता से अच्छे से करेंगे, फैला देंगे। चम्मच में चिपके से भी निकाल देंगे। आप इसे और पतला भी बना सकते हैं, मैंने तो इसे थोड़ा मोटा रखा है, लेकिन आप इसे बहुत पतला भी बना सकते हैं। तो आप उसके लिए दो प्लेट पे ग्रीसिंग करिए। ये देखिए मैंने इसे फैला दिया है अच्छे से, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम इस पर चाकू से निशान बना देंगे, जिससे कि इसके पीसेस आसानी से निकल जाएं। हल्का निशान मारेंगे इसमें, ज़्यादा गर्म में मत मारिएगा, थोड़ा ठंडे हो जाए तभी इसमें निशान मारने। ये देखिए अब ये ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इन्हें पीसेस में निकाल लिया है। ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत सुंदर, जैसे बाज़ार में मिलते हैं। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।